नमस्कार, झारखंड CMMSS अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022। इसके अंतर्गत इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 30 प्रश्न दिए गए थे। आइए उन प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 31 to 35। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें और जो क्वेश्चन उसके बाद दिए गए हैं उसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चुनिए। तो पैसेज इस प्रकार है। Androclus was ordered to fight with a huge lion that had been kept hungry for 2 days. Androclus को एक विशाल शेर से लड़ने का आदेश दिया गया और उस शेर को 2 दिनों के लिए भूखा रखा गया था। यहां ह्यूज का अर्थ हो गया विशाल, बहुत बड़ा, विशाल है ना, बहुत बड़ा। ही वॉज श्योर दैट लायन वुड टीयर हिम टू पीसेस। वो निश्चित था कि शेर उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो ही वॉज सैड टू बी बैक, इसलिए वो बहुत उदास था। A large crowd of people had come to see that fight. एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़ उस युद्ध को देखने के लिए आई हुई थी। Crowd means भीड़। The lion was let loose into the arena where Androclus had been met to enter. उस जगह पर शेर को छोड़ दिया गया जहां Androclus को जाना था। The beast came roaring around out of its cage, looking fiercely. वो जो जानवर था, beast means जानवर, वो गरजते हुए आया, अपने पिंजरे से गरजते हुए निकला। एज द लायन नियर्ड हिम, जब शेर उसके नजदीक आया, पीपल गॉट एक्साइटेड टू सी द ब्लडी ड्रामा। लोग उस खूनी ड्रामा को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। बट सडनली, किंतु अचानक, द लायन स्टॉप्ड रोअरिंग एंड बिकेम काम। वह शेर गरजना बंद कर दिया और शांत हो गया। काम मींस शांत। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग Androclus, be crouched at his feet and began to lick his hands. Androclus पर आक्रमण करने की बजाय वो अपने पैरों पर झुक गया। ये crouched means हो गया, वो झुक गया और उसके हाथों को चाटने लगा। To lick means चाटना। Tears of joy welled up in Androclus' eyes and he embraced the lion. Androclus की आंखों से आंसू की धारा, खुशी की आंसू की धारा बहने लगी और उसने उस शेर को गले लगा लिया। Embraced means गले लगा लिया। It was the same lion with whom Androclus had lived in den.
फॉर मेनी डेज। यह वही शेर था जिसके साथ एंड्रू गल्स उस खो में या डेन कहते हैं जहां पर शेर रहता है, कई दिनों तक था। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विथ होम वॉज एंड्रू गल्स ऑर्डर्ड टू फाइट। एंड्रू गल्स को किसके साथ लड़ने के लिए कहा गया था, आदेश दिया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, अ ह्यूज लायन। हु हैड कम टू सी द फाइट, उस युद्ध को देखने के लिए कौन लोग आए थे? ऑप्शन 3, लार्ज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़। हाउ डिड द लायन कम टुवर्ड्स एंड्रू गल्स, वो जो शेर था एंड्रू गल्स की ओर किस तरह से आया था? तो ये ऑप्शन 3, रोएरिंग, गरजते हुए, शेर की आवाज को रोएर ही कहते हैं। व्हाट डिड द लायन डू, शेर ने क्या किया? ऑप्शन नंबर 3, बिगैन टू लिक एंड्रू गल्स हैंड्स, एंड्रू गल्स के हाथों को वो चाटने लगा। व्हाई डिड द लायन बिकेम काम, वह शेर क्यों शांत हो गया था? और यहां 4 ऑप्शन है, द लायन वॉज हंग्री, लायन वॉज वेरी वीक, लायन हैड लिव्ड विथ एंड्रू गल्स इन डेन। लायन जो है वो शेर जो है एंड्रू गल्स के साथ उस खो में, उस डेन में रहा था। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची शब्द चुनना है। I had to make a lot of compromise in my life. मुझे अपने जीवन में बहुत सारे समझौते करने पड़े हैं। तो यहां पर compromise का जो synonym है या कहें पर्यायवाची है वो क्या है? तो यहां देखें, compromise, adjustment, arrangement, correction। तो हमारा answer है option 2, adjustment। एडजस्टमेंट का भी वही अर्थ है जो कॉम्प्रोमाइज का है। चूज द ऑप्शन विथ विच द एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, चूज द ऑप्शन विच इज द एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे दिए वर्ड है उनका एंटोनिम चुनना है। एग्रीवेट, एग्रीवेट का अर्थ होता है कुछ बढ़ाना, है ना, कोई कष्ट बढ़ाना, कुछ इस तरह का है। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा एलिविएट, कम करना, कष्ट को कुछ कम करना। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द ऑप्शन विच इज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जो वर्ड है दिया हुआ है उसका सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची निकालना है। पेनल्टी, पेनल्टी मतलब क्या होता है, कुछ फाइन लगता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1, फाइन, फाइन लगाना कुछ। क्वेश्चन नंबर 39, जस्ट, और इसके बाद ये ब्लैंक है, पर्संस वेयर प्रेजेंट देयर। तो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू। तो फ्यू और लिटिल में क्या फर्क है, ये ग्रामर में आप डिटेल से पढ़ेंगे, मैं यहां बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। काउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती की जा सकती है वहां फ्यू का प्रयोग होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जहां जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है लिटिल का प्रयोग होता है। अब फ्यू में भी यहां पर 3 ऑप्शन है, फ्यू,
ऑफ यू, द फ्यू। तो फ्यू और ऑफ यू में क्या फर्क है? ऑफ यू ये कुछ पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है, अर्थ तो होता है कुछ, लेकिन कुछ पॉजिटिव सेंस में होता है। और ये फ्यू है ये निगेटिव सेंस में उसका प्रयोग होता है। तो यहां पर है जस्ट, पर्संस वेयर प्रेजेंट देयर, तो यहां पर कुछ पॉजिटिव सेंस आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर टू होगा, जस्ट अ फ्यू पर्संस वेयर प्रेजेंट देयर, कुछ लोग प्रेजेंट थे। अब 40 नंबर भी इसी तरह से है, द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज ब्लैंक स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहां स्टूडेंट्स वर्ड आ रहा है यानी काउंटेबल नाउन है, तो यहां फ्यू का प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर यह भी देख रहे हैं कि यह निगेटिव सेंस आ रहा है, द क्लास वॉज नॉट हेल्ड, क्लास नहीं हुआ। क्यों? निश्चित रूप से बहुत 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 नगण्य स्टूडेंट होंगे, निगेटिव सेंस आ रहा है, तो यहां हमारा ऑप्शन होगा फ्यू, द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, इसलिए क्लास नहीं हुई क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 41 to 47, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब ये सही आर्टिकल के साथ ये जो ब्लैंक्स है उसे भरना है। तो पहले पैसेज पढ़ रहा हूं, देयर वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट नियर ब्लैंक मार्केट ब्लैंक कार हिट ब्लैंक बाइसिकल एंड ब्लैंक मैन ऑन ब्लैंक स्पॉट। तो यहां ए एम और द, इन तीनों में से कोई एक भरना है या कोई आर्टिकल भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां भी मैं ये आर्टिकल के बारे में बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं, ए और एन ये इंडिफिनिट आर्टिकल है यानी अनिश्चित चीजों के साथ प्रयोग होगा, और द डिफिनिट आर्टिकल है यानी निश्चित चीजों के साथ होगा। निश्चित करने का अर्थ जिसका हमने पहले प्रयोग किया है या जिसे पहले से जानते हैं। तो यहां देखते हैं, देयर वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट, तो यहां क्या होगा? तो ये एक्सीडेंट तो बिल्कुल नया हुआ, तो ये इंडिफिनिट है, तो यहां ए या एन होगा। अब देख रहे हैं कि ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां एन होगा। तो देयर वॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है, नियर और ब्लैंक है मार्केट, तो कौन सा मार्केट, ये तो कोई निश्चित है, तो यहां डिफिनिट आर्टिकल लगेगा द। अब यहां तक क्या हो गया, देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट, अब ब्लैंक है कार, अब ये जो कार है इसे तो हम नहीं जानते हैं, पहले से इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां हो जाएगा अ कार। यहां मैं लिख भी देता हूं एन द कार हिट। अब बाइसिकल, इसका भी पहले प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी
इनडिफिनिट होगा, तो यहां हो जाएगा हमारा आ। इसके बाद है एंड ब्लैंक मैन, तो ये आदमी भी संदर्भ में पहली बार आया है, तो ये भी इनडिफिनिट है, तो यहां भी हो जाएगा आ मैन। अब देखें 46 ऑन अब देखिए ये, इसके बाद बाइसिकल है, लेकिन बाइसिकल तो पहले हमारा इस पैसेज में आ चुका है, तो अब ये डिफिनिट हो गया। यहां पर देखिए बाइसिकल पहली बार आया था तो हमने ए लगाया था, लेकिन अब यहां पर बाइसिकल तो दूसरी बार आया है, यानी ये अब निश्चित है, तो यहां पर हमारा होगा द, द बाइसिकल वाज किल्ड ऑन अ ब्लैंक स्पॉट। तो यहां हम देख रहे हैं स्पॉट मतलब वो जगह, तो जगह क्या था, मार्केट, तो ये भी पहले आ चुका है, तो ये भी अब डिफिनिट हो गया, तो ये हमारा यहां प्रयोग होगा द। तो अब ये पैसेज ऐसा हो गया, देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट, अ कार हिट अ बाइसिकल एंड अ मैन ऑन द बाइसिकल वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट। ऐसा है ये आर्टिकल की इस पैसेज के साथ साथ मैंने आर्टिकल के बारे में भी आपको संक्षेप में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 48-50, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ब्रैकेट से सही शब्द जो है चुनना है और सेंटेंस को पूरा करना है। सी हैज ब्लॉन्ड, और यहां है हेयर, हेयर्स, अ हेयर, मिनी हेयर्स, तो हम जानते हैं कि यहां पर हेयर का प्रयोग होना है, तो हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में ये इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ए नहीं लिखा जा सकता है, मेनी नहीं लिखा जा सकता है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यहां प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा हेयर। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 है द स्टैच्यू इज मेड ऑफ, मूर्ति बना हुआ है, और किस चीज का, अ स्टोन, स्टोन, स्टोन्स, फ्यू स्टोन्स, तो यहां हमारा ऑप्शन होगा स्टोन। क्वेश्चन नंबर 50, अ लार्ज ब्लैंक इज एक्सपेक्टेड देयर, एक बड़ी भीड़ वहां एक्सपेक्टेड है, यानी उसकी हम आशा करते हैं, तो यहां पर है क्राउड्स पीपल, क्राउड पीपल्स, तो अ लार्ज, लार्ज के साथ अब ये देखना है कि क्राउड होगा या पीपल होगा, तो निश्चित रूप से क्राउड होगा लार्ज के साथ। अब है कि क्राउड अपने आप में खुद प्लूरल है, तो फिर यहां एस नहीं लगाया जा सकता है, कोई प्लूरल को फिर से प्लूरल बनाया जा सकता है क्या, नहीं, तो यहां पर हम क्राउड का प्रयोग करेंगे। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये क्राउड जो है कलेक्टिव नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51-55, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस। यहां हमें प्रीपोजिशन चुनना है, ही विल बियर ब्लैंक द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, तो यहां पर हमारा होगा आउट, बियर आउट, ये फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसे, बियर आउट, तो इसका मीनिंग होता है टू सपोर्ट,
यानी सपोर्ट करना, या ये भी कर सकते हैं टू कंफर्म, ही विल बियर आउट द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, वह मेरे स्टेटमेंट की सच्चाई को सपोर्ट करेगा. 52 है द वार ब्रोक ब्लैंक इन चाइना, तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा आउट. तो ये ब्रेक आउट, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है स्टार्ट होना यानी शुरू होना. द वार ब्रोक आउट इन चाइना, चाइना में लड़ाई शुरू हो गई. क्वेश्चन नंबर 53, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ब्लैंक बाय हिज स्पीच, तो यहां पर होगा ऑफ. तो कॉल ऑफ मतलब समाप्त करना, यह होता है समाप्त करना. द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ बाय हिज स्पीच, उसके भाषण के बाद जो स्ट्राइक था वो समाप्त कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 54, द प्रेसिडेंट गेव ब्लैंक द प्राइजेस, तो यहां होगा अवे. तो यहां पर ये भी फ्रेजल वर्ब है, गिव अवे यानी टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना. क्वेश्चन नंबर 55, डू नॉट गो ब्लैंक ऑन योर वर्ड्स, तो यहां पर हमारा होगा बैक. तो ये गो बैक का अर्थ होता है पीछे हटना या मुकरना. Do not go back on your words. तुम अपने बातों से मुकरो नहीं, या अपने वायदे से मुकरो नहीं, पीछे मत हटो. क्वेश्चन नंबर 56 to 60, यहां है fill in the blanks in the following choosing the best alternatives from among the ones given. जो best alternative है, सबसे सही विकल्प है, उसे चुनकर भरना है. सी केम ब्लैंक यू, तो यहां पर यह आएगा टू सी. सी केम टू सी यू यानी वह तुम्हें मिलने के लिए आई. टू सी का मतलब मिलना होता है. एवरीबॉडी वर्शिप द ब्लैंक सन, तो यहां हमारा ऑप्शन है राइजिंग. एवरीबॉडी वर्शिप द राइजिंग सन, सभी लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं. इसका अर्थ ये हो गया, इसका भाव कि कोई अगर प्रोग्रेस कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, जो ऊंचाई पर जा रहा है जो व्यक्ति, उसी की कद्र की जाती है. क्वेश्चन 58, अ ब्लैंक ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, तो कैसा ग्लास में पानी नहीं रखा जा सकता है, तो यह है ब्रोकन. अ ब्रोकन ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, ब्रोकन का अर्थ क्या हो गया, टूटा हुआ. अब है क्वेश्चन नंबर 59, द मैरिज ब्लैंक नो चेंज इज पॉसिबल नाउ, तो यहां पर है ये हैविंग बीन फिक्स्ड. द मैरिज हैविंग बीन फिक्स्ड, नो चेंज इज पॉसिबल नाउ, क्योंकि विवाह
तय होने को है या तय हो रहा है, इसलिए अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 60, योर हैड बेटर ब्लैंक बिफोर ही अराइव्स। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये गलत क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर इसे सुधार देता हूं। तो योर नहीं होगा, ये होगा यू। अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, यू हैड बेटर लिव बिफोर ही अराइव्स। तो चूंकि ये क्वेश्चन गलत प्रिंट था, इसलिए जैक ने इस प्रश्न पर सभी को नंबर दिया है। कोई भी ऑप्शन आप अगर इस इसमें जो बैठने वाले परीक्षार्थी थे, इसमें किसी भी ऑप्शन को उसने भरा, तो उन सभी को एक मार्क्स दिया जा रहा है। लेकिन मैं यहां इस सेंटेंस को सुधार कर इसे बना दे रहा हूं। तो यहां योर था तो ये यू होगा, आर ये गलत प्रिंट है। तो यू हैड बेटर लिव बिफोर ही अराइव्स। आशा है कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन था इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, ये आपको काफी मददगार होगा। धन्यवाद।